नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका विलोमास किचन एंड ट्रैवल में। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम बना रहे हैं मेदू वड़ा। तो मेदू वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम उड़द दाल। दाल को हमने 3 घंटा पानी में सोक करके रखा था, तो अब 3 घंटे हो गए हैं। 3 घंटे बाद हम इसे अच्छे से धो के निकाल लेंगे और इसे मिक्सी के सबसे छोटे जार में बिना पानी ऐड किए इसे हमें पीसना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें एकदम टाइट पीस के निकालना है, बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना है। तो इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून अदरक, करी लीव्स और 1/2 कप चॉप्ड ऑनियन। आप एक छोटा सा ऑनियन को भी चॉप करके डाल सकते हैं। तो अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे उड़द दाल के मिक्सचर में डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे हम। और इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। वड़ा का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम वड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से डोनट शेप देना है हमें। तो हाथ में हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और फिर इस तरह से हम थोड़ा सा मिक्सचर निकाल के इस तरह से हम वड़ा का शेप देंगे। तो ये देखिए, तो इसमें हमने बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कुछ भी नहीं मिलाया है। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। बिना बेकिंग सोडा और बिना खाने वाला सोडा से हम अच्छा सा सॉफ्ट अंदर से और बाहर क्रिस्पी वड़ा बना सकते हैं। खाने वाला सोडा जो है ज़्यादा खाना भी अच्छा नहीं होता। तो ये देखिए, ये आप घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट वड़ा बनता है बिना सोडे का। तो हमने कुल मिला के 15 वड़ा बनाए हैं। ये जो हमारा मिक्सचर है, यानी कि 250 ग्राम उड़द दाल से आप 15 वड़ा आराम से बना सकते हैं। और बड़े साइज़ का वड़ा बनाए हैं हमने। वड़ा हमारा बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितने कुरकुरे बने हैं बाहर से और अंदर में एकदम सॉफ्ट हुआ है। बहुत ही टेस्टी है। सिर्फ नमक डाला है हमने इसमें और थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा हरी मिर्च, थोड़े करी पत्ते और थोड़ा कटा हुआ प्याज। इसे आप सर्व कर सकते हैं टोमेटो केचप के साथ, या फिर आप चटनी के साथ खा सकते हैं, नारियल की चटनी, या फिर आप सांभर के साथ खा सकते हैं, या ऐसे खाली ही खा सकते हैं। लॉकडाउन पीरियड में आप अपने घर में इस डिश को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चाय के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है मेदू वड़ा। आशा करती हूँ आज का ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का रेसिपी अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। Thank you for watching. Meet you on next vlog. Till then, bye and take care.